रेडियो पर आज 26वीं बार मन की बात करेंगे पीएम मोदी। नोट बैन और सीमा पर तनाव पर बोल सकते हैं पीएम। सुबह 11 बजे करेंगे संबोधित। नोट बैन पर विपक्ष के भारत बंद कार्यक्रम से दूर रहेगी जेडीयू। महागठबंधन में शामिल सहयोगी दलों को कहा, नोट बैन के विरोध में किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। नोटबैन पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला अगर संविधान के खिलाफ हुआ तो बदल सकते हैं। कानून मंत्री बोले, इमरजेंसी के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने किया था निराश। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी की परिवर्तन रैली को आज पीएम करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव को लेकर ये तीसरी रैली, पहली हमसफर ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। आरबीआई ने सीमित समय के लिए सीआरआर के नियम बदले। 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच आई अतिरिक्त नकदी पर 100% सीआरआर रखना होगा। नए नियम की समीक्षा 9 दिसंबर को होगी। टाटा सन्स ने निर्मला कुमार को भेजा लीगल नोटिस, महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने का लगाया आरोप। इंडस्ट्री की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी ड्राफ्ट बिल में बदलाव। रिवाइज ड्राफ्ट बिल में कई नए प्रावधान शामिल। आम जनता की राय जानने के लिए वेबसाइट पर अपलोड। 2 और 3 दिसंबर को सुझावों पर विचार करेगा जीएसटी काउंसिल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की सोशल सेक्टर और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात। इंडस्ट्री ने FM से कॉरपोरेट टैक्स कम करने की मांग। ताजा बर्फबारी से कश्मीर की पहाड़ियां सफेद चादर से ढकी। गुरेज घाटी और राजधान टॉप पर मौसम की पहली बर्फबारी। मौसम विभाग ने जताई अगले 24 घंटे में बर्फबारी और बारिश की संभावना। दक्षिण कोरिया में तेज हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी सियोल में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 लाख लोग सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति पाक यून हे पर घोटाले का आरोप।